हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है हिंदी बिंदी के एक नए एपिसोड में। मैं हूँ अभिलाषा मेहता, दो लिटिल बच्चों की मम्मी, एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर की वाइफ, मैं हूँ सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर, सब कुछ अपनी ब्रांड एक डोरी के लिए, और मैं हूँ एक यूट्यूबर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर की सजावट के बारे में नहीं, हम बात करने वाले हैं घर की ऊर्जा के बारे में। ये सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, कैसे आप सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे जाएं, किसी के घर में जाएं या किसी होटल में जाएं और वहाँ पे एकदम नेगेटिव सी एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी आपको महसूस हो, आप रुक ना पाएं कि भाई मैं तब इस घर से बाहर निकलूं या इस जगह से बाहर निकलूं। और कई ऐसी जगहें होती हैं जहां हम जाते हैं और मन करता है घंटों बिता दें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं और उनसे बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, मन करता है उन लोगों से बात करते रहें। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप मिले उनसे, उनमें से कुछ तो नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव वाइब्स महसूस होती हैं। तो इंसानों की भी ऊर्जा होती है, घर की जगह की भी ऊर्जा होती है। जब लोग हमारे घर के अंदर आते हैं, कई चीज़ें हमारे घर के अंदर आती हैं या घर से बाहर जाती हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो कम ज़्यादा सकारात्मक नकारात्मक होती रहती है। तो अगर आपको अपने घर में एनर्जी बैलेंस नहीं लग रही हो, बहुत सकारात्मक ऊर्जा नहीं लग रही हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं जिससे वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बढ़ जाएगी और नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी। तो मेरा सबसे पहला टिप तो सूरज की रोशनी के बारे में है। जो सूरज की रोशनी है हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और ये कैसे हमारा और हमारे घर का पूरा मूड और वातावरण चेंज कर सकती है। मैं जिस कमरे में आज बैठी हूँ उसी कमरे की आपको बात बताती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल लाइट नहीं थी, सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं थी। मैं सुबह के 12 बजे भी अगर इस कमरे में आऊँ तो हमेशा अंधेरा रहता था, जिसकी वजह से कभी मुझे इस कमरे में बैठने का मन ही नहीं किया था। आती थी 5 मिनट चली जाती थी, ऐसा लगता था कि ये पूरी जगह वेस्ट हो रही है और एक भीनी सी हल्की सी स्मेल भी आने लगी थी। मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेंज की, एक इतनी सी खिड़की बनाई ताकि सूरज की रोशनी आ सके, और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये पूरा कमरा, पूरा रूम, पूरा घर, उसकी पूरी एनर्जी बदल गई। अब मैं यहाँ पे अपने पूरे दिन का 50-60% समय यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। ये जगह जहाँ पे मुझे बैठा नहीं जाता था, अब उसकी पूरी एनर्जी इतनी बदल गई है कि यहाँ से निकलने का मन नहीं करता। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊं कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, हमने कई घर बदले और कई घर चेंज किए। अब मैं जब देखती हूँ, पीछे सोचती हूँ अपने अलग अलग घरों के बारे में, जिन घरों में सूरज की रोशनी खूब सारी आती थी और सूरज की रोशनी से भरे हुए थे, उन घरों में हम ज़्यादा खुश थे। और इन पर्टिकुलर एक घर था जो काफ़ी डार्क, अंधेरा अंधेरा, घर का आधे से ज़्यादा हिस्सा अंधेरे में रहता था। और उस समय मैं टीनेजर थी और मैं गलत फ्रेंड्स के साथ जाने लगी थी और पढ़ाई मेरी एकदम गड़बड़ हो गई थी, मम्मी से रोज़ झगड़े होते थे, वो पूरे घर का वातावरण बहुत तनाव भरा था, बहुत टेंस था। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी हमारे लिए, हमारे मूड के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी हमारे शरीर को विटामिन डी प्रोड्यूस करने में मदद करती है, और ये विटामिन डी जो है हमारे मूड को बदल देता है, उसे अच्छा बना देता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई जब हफ्ते महीने हो जाते हैं और काले काले बादल ही बाहर रहते हैं और सूरज को देखने के लिए हम तरस जाते हैं, फिर जब सूरज निकलता है कैसे हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके अपने घर में सूरज की रोशनी को अंदर आने दीजिए, पर्दे खोलिए, खिड़कियाँ खोलिए, दरवाजे खोलिए, ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके और आपके पूरे घर को पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर सके। टिप नंबर 2 के बारे में मैंने कई वीडियोज़ में बात की हुई है और ये है कि जो घिचपिच हमारे घर में होती है, जो क्लटर कहते हैं, जो बहुत भरा हुआ होता है,
कुछ नीटनेस नहीं होती, कुछ साफ़ नहीं होता। अगर आप उसे चेंज कर सकें तो आपके घर का वातावरण ज़रूर चेंज होगा और बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। आप ट्राई कीजिए, सिर्फ एक टेबल लीजिए, एक टेबल। उस पे टेबल ऐसी जगह होती है जहाँ जो इस चीज़ को समझ ना आए ना कहाँ रखना हो, वो टेबल पे रख देते हैं हम। तो सिर्फ एक टेबल लीजिए और उस टेबल को साफ़ कर दीजिए अच्छे से, और सिर्फ उतना करने से आप देखेंगे कि आपका मूड और आपके घर का मूड और आपके घर की लुक कितनी बदल जाती है और कितनी चेंज हो जाती है। और कहा जाता है कि अगर आपका वातावरण घिच पिच, कचरे और बहुत सारी चीज़ों से भरा होगा तो आपका दिमाग भी उसी तरह होगा, और उस घिच पिच की वजह से आप एकदम फोकस के साथ काम नहीं कर पाते और जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाते। इसलिए अपने घर को साफ रखिए, क्लटर फ्री रखिए। अब हम आते हैं मेरे टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 के बारे में भी मैंने कई बार बोला है और वो ये है कि जब आप पौधे, प्लांट्स, फूल अपने घर के अंदर लाते हैं तो फिर से ये आपका मूड बदल सकते हैं, आपके घर का वातावरण बदल सकते हैं। मैंने बस इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल, बिना कुछ पैसे खर्च किए फ्लावर अरेंजमेंट्स दिखाए थे जो आप 2-3 मिनट में अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। और अगर आप पौधे रखना चाहें तो इजी, जो अंदर घर के अंदर आराम से उग जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। पौधों की एक अपनी ही एनर्जी होती है, ये लिविंग थिंग्स होते हैं, भगवान ने बनाए हैं, और ये जब हम अपने घर के अंदर लाते हैं मन खुश हो जाता है और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। टिप नंबर 4 है, आप अपनी दीवारों को किस तरह सजाते हैं और अपनी दीवारों पर क्या लगाते हैं होते हैं। हमारी नज़र हमेशा दीवारों पे होती है और हम जो दीवारों पे आप जो भी लगाते हैं वो हम काफ़ी बार देखते हैं। वो तस्वीरें देख के हमें जिस तरह की फीलिंग्स महसूस होती हैं वो हमारे अंदर रह जाती हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मैं आपको स्टोरी बताऊं कि जब मेरा बेटा जो छोटा है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मेरी बेटी बस दो साल की हुई ही थी। तो एक तो नए बेबी के साथ थी मैं, तो आपको पता है कि छोटे बच्चों को संभालना और नई मदर की अपनी ही स्ट्रगल्स होती हैं, तो वो सब स्ट्रगल तो थी। पर साथ में जो मेरी 2 साल की बेटी थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझसे थोड़ी दूर जा रही हैं या वो मुझसे थोड़ी नाराज़ हो रही है। अब 2 साल के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि ना तो वो बता सकते हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, ना उनको शायद खुद समझ होगी कि वो ऐसे महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे स्ट्रगल था कि एक तरफ से नया बेबी और दूसरी तरफ से मेरी बेटी, मुझे लगा कि वो खुश नहीं है। पता नहीं कैसे पर मुझे एक दिमाग में सूझा कि एक बहुत ही क्यूट सी तस्वीर है जहाँ पे मेरी बेटी बीच में है और एक तरफ मैं और एक तरफ उसके फादर, उसे दोनों गालों पे हम लोग उसे किस दे रहे हैं। तो मैंने वो पिक्चर ली और उसका बड़ा सा प्रिंट लिया और वो प्रिंट मैंने कमरे के एकदम बड़ी दीवार पे लगा दिया। और आई डोंट नो, शायद वो तस्वीर की वजह से कुछ हुआ होगा या किसी और चीज़ की वजह से, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब से मैंने वो तस्वीर लगाई तब से उस कमरे में मेरी बेटी आने लगी और फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। जो तस्वीरें हम अपने सामने रखते हैं और बहुत देखते हैं उनका इफ़ेक्ट डेफिनेटली होता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो अपनी दीवारें जहाँ आप देखते हैं, जो चीज़ें अक्सर देखते हैं वहाँ पे जो बहुत ही खुशी वाली मेमोरीज होती हैं, फैमिली की फ़ोटोज़ लगाइए, या अगर आप पेंटिंग्स या पोस्टर्स भी लगा रहे हैं तो बहुत ही हैप्पी पोस्टर्स लगाइए जिन्हें देख के आप खुश महसूस करें। ऐसे पोस्टर्स लगाइए जो वो आर्ट के नाम पे कई बार बहुत डरावने मास्क्स, बहुत ही सैड पेंटिंग्स भी मैंने देखी हैं जहाँ पे औरतें बहुत सैड हों, ऐसी पेंटिंग्स। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ऐसी पेंटिंग्स जो आपको बुरा महसूस करवाएं या सैड महसूस करवाएं वो आप अपने आसपास ना लगाइए। तो अब आते हैं हम मेरी 5th और आखिरी टिप, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ें हैं।
तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कपूर के बारे में। ये कपूर हमारे कल्चर में हज़ारों 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 सालों से यूज़ होता आ रहा है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो वो तो है साइंटिफिक रीज़न इसे जलाने का। पर जब हम इसे जलाते हैं तब जो इसकी खुशबू है और जो इनके फ्यूम्स हैं उससे बहुत ही काम महसूस किया जाता है। और कहा जाता है कि जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, आपके अंदर है, वो सब निकल जाती हैं और वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने घर में कपूर सुबह और शाम जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। पर ध्यान ये रखिएगा कि जो आप कपूर यूज़ करें वो एकदम प्योर ऑर्गेनिक कपूर हो। तो ज़रा जांचिए परखिए कि आपका कपूर कहाँ से आ रहा है। एक और चीज़ जो मैंने हाल ही में यूज़ करना शुरू की और मुझे बहुत पसंद है वो है ऊद जलाना, OUD। मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऊद जलाना एक बहुत ही प्राचीन इस्लामिक ट्रेडिशन है जो अरेबिया में शुरू हुआ था और इसे हमारी एनर्जी और घर की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि फ्रांस के किंग थे, किंग लुईस द 14, वो अपने जो कपड़े थे वो भी ऊद से धुलवाते थे क्योंकि उसकी इतनी बेहद खूबसूरत खुशबू है। और ये फेंगशुए उसमें भी यूज़ किया जाता है। और ये जो फेंगशुए का ट्रेडिशन है उससे कहा जाता है कि आप ये कहीं अगरवुड ऊद जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो गायब हो जाती है। तो मैंने कहा इसे ट्राई किया जाए, तो मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा था ऊद का डब्बा। मैं आपको दिखा दूँगी और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इस डब्बे में इस तरह के कई सैशेज हैं और ये सैशे आप खोलेंगे तो काली सी एक छोटी सी गोली है इसके अंदर इस तरह की। और जैसे ही आप इसे खोलेंगे तब इसकी बेहद खूबसूरत खुशबू आने लगती है। तो इसको मैंने जलाने की बहुत कोशिश की पर ये कोयले के ऊपर रखना होता है तब इसका वो धुआं निकलता है और वो कोयले के ऊपर रखना मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं कहाँ से कोयला लाती रहूँ। फिर मैंने एक जो इलेक्ट्रिकल वो बर्नर होता है वो ख़रीदा और उसके ऊपर रखा तो ये आधी गोली भी जली नहीं और वो इलेक्ट्रिकल बर्नर ख़राब हो गया। मैंने दो बार ट्राई किया। तो फिर ये बॉक्स मेरे पास काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, एक साल हो गया था और मैं बहुत चाहती थी इसे यूज़ करूँ पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे। फिर मैंने अमेज़ॉन पे एक एक पैकेट देखा, वो बेसिकली चारकोल की गोलियाँ होती हैं और चारकोल की गोली आप जलाएँगे और उसके ऊपर ये ऊद की जो टैबलेट है वो आप रखेंगे और ओ माई गॉड, कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में इतनी अच्छी खुशबू भर जाती है। ये शुरू में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जब कमरा धुएं से थोड़ा भर जाता है पर फिर धीरे धीरे ना वो जाने लगता है धुआं और पीछे छोड़ जाता है एक बेहद खूबसूरत भीनी भीनी सी खुशबू जो मुझे इतनी पसंद है कि मैं हर कमरे में जाके अब ऊद जलाती रहती हूँ। पर खुशबू तो बहुत अच्छी है, मूड चेंज कर देता है। तो कभी भी आपको लगे कि आपके घर में बहुत तनावपूर्ण वातावरण है या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो ये 5 टिप्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आई एम टेलिंग यू आप अच्छा महसूस करेंगे। चाहे सेकेंड्स में नहीं, मिनट्स में नहीं, पर आप ये करते रहेंगे तो आपको अपने घर से, अपने वातावरण से और अपने आप से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ अच्छी टिप्स मिली। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, घर को सजाने से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें। और अगर आप नहीं मानते थे और अब मानने लगे हैं, ट्राई करने वाले हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए। और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो मुझे वो भी कॉमेंट्स में बताइए जो मैंने शेयर नहीं की। और कई चीज़ें हैं जिससे आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने घर में बढ़ा सकते हैं। अगर आप और वीडियोस देखना चाहें तो भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप देखेंगे कि मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का मैं जवाब दूँ। इवन जब आप नेगेटिव
कमेंट्स लिखते हैं बकवास वीडियो ऐसा लिखते हैं, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ. तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में.